स्टेडियम दूसरी साइड भी क्लैडिंग का काम शुरू हो चुका है, ये बिल्कुल नया काम है आपके सामने है। ग्रास कटिंग का अमल फिर से शुरू हो चुका है। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। आज एक बार फिर मैं अरबाब नैस क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूँ, लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा क्लैडिंग का काम और साथ साथ यहाँ पे कलरिंग का काम भी जारी है। सामने आप देख सकते हैं लेबर मसरूफ़ है काम में। इसके बाद यहाँ पे क्लैडिंग का काम भी स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे मैं आपको लाइव मनाजिर दिखाऊंगा। कलरिंग का काम जारी है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ पे क्लैडिंग का काम भी स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं लेबर यहाँ पे मसरूफ़ है काम में, लाइव मनाजिर। और इसके अलावा मैं आपको दूसरी साइड भी दिखाऊंगा, वहाँ पे भी क्लैडिंग का काम जारी है, तो वीडियो स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ काफ़ी ज़्यादा अपडेट शेयर करने वाला हूँ। और यहाँ पे भी काम जारी है, हॉस्टल के सामने मार्बल का काम जारी है। आप देख सकते हैं लेबर मसरूफ़ है काम में। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट, आज मंडे है, पीर का दिन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काम जारी है। और साथ साथ ऊपर ग्लासेस का काम भी हुआ है। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टेडियम दूसरी साइड क्लैडिंग का काम, मेरे साथ रहें। और यहाँ पे मैं आपको एक स्टैंड दिखाऊंगा जहाँ पे चेयर्स का काम अभी तक नहीं हुआ है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे भी चेयर्स का काम स्टार्ट होगा। और साथ साथ यहाँ पर टफ टाइल का काम भी जारी है, लेबर मसरूफ़ है काम में। सामने दूसरा स्टैंड आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी चेयर्स का काम बाकी है, आने वाले दिनों में यहाँ पे भी काम स्टार्ट होगा चेयर्स का। और अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्लैडिंग का काम, जिस तरह मैंने आपको वीडियो स्टार्ट में दिखाया है, तो यहाँ पे क्लैडिंग का काम शुरू हो चुका है आज से। और यहाँ पर काफ़ी काम हुआ है, आप देख सकते हैं पीसीस भी पड़े हैं सामने। जो क्लैडिंग का काम हुआ है ये आज का काम है। अब ब्रेक का टाइम हुआ है, तो यहाँ पे जितना भी काम हुआ है वो आपके सामने है। और ये बिल्कुल नया काम हुआ है स्टेडियम दूसरी साइड। और ये बाहर का व्यू भी आप देख सकते हैं, कार पार्किंग एरिया और सामने टक शॉप्स काफ़ी ज़्यादा तमाशाइयों के लिए। ये बिल्कुल नया काम हुआ है, मैंने आपको बताया भी था कि बहुत जल्द काम स्टार्ट होगा। सो फाइनली यहाँ पे फिर से काम शुरू हो चुका है अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम में। और ये आज का काम है, आप ख़ुद भी देख सकते हैं काफ़ी काम हुआ है आज के दिन। अब ब्रेक का टाइम है, इसी तरह ऊपर भी होगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबाइए। तो यहाँ पे जो नया काम हुआ है वो है क्लैडिंग का। नीचे आप देख सकते हैं क्लैडिंग फ्रेम, तो नीचे फ्रेम का काम होता है। और यहाँ पे जो काम हुआ है वो भी आपके सामने है, ये बिल्कुल न्यू अपडेट है। और अब मैं दोबारा जा रहा हूँ उस साइड पर, वहाँ पर भी बहुत काम हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। मेरे साथ रहें, वीडियो को स्किप ना करें। और साथ यहाँ पे मैं आपको वॉशरूम्स भी दिखाऊंगा। मैंने आपको बताया भी था कि हर गेट के लिए अलग अलग वॉशरूम्स होंगे और अलग अलग टक शॉप्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वॉशरूम्स। यहाँ अभी भी काम बाकी हैं, और ये हैं इन बोरियों में सूखी ग्रास, ये आर्जी तौर पर यहाँ पर रखी हैं, तो यहाँ पे अभी भी काम बाकी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे भी काम मुकम्मल होगा। अब मैं जा रहा हूँ वापस स्टेडियम, मेरे साथ रहें। और साथ मैंने आपको बताया भी था कि वाटर टैंक के ऊपर भी काम जारी है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इन लेबरों ने फरमाइश की कि एक बार फिर हमें दिखाएं, तो ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ये लोग, अल्लाह कामयाब करें। अब मैं वापस जा रहा हूं और मैं आपको दिखाने वाला हूं ग्रास कटिंग का काम। फिर से ग्रास कटिंग का काम शुरू हो चुका है स्टेडियम में। अब मैं जा रहा हूं, मैं आपको दिखाने वाला हूं ग्रास कटिंग का काम, मेरे साथ रहें। और माशाल्लाह ग्रास भी ग्रीन हो चुका है,
और साथ साथ यहाँ पे चेयर्स का काम भी कुछ जगहों पे बाकी हैं, नीचे स्टेप आप देख सकते हैं और यहाँ पे ग्रास भी। इस वक्त मैं बिल्कुल अंदर आया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह फिर से ग्रीनरी आ चुकी हैं अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम में, और साथ यहाँ पे कटिंग का काम भी जारी है। सामने मशीन आप देख सकते हैं मशीन के ज़रिए, और यहाँ पे ट्रैक्टर भी मौजूद हैं ग्रास कटिंग के लिए। तो यहाँ पे हल्का काम इस छोटी सी मशीन से होता है, बाकी जो बड़ा काम है वो ट्रैक्टर के ज़रिए होता है, और जो कटिंग का काम हुआ है वो भी आपके सामने है। ये है छोटा सा मशीन, ये हल्के काम के लिए हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह फिर से खूबसूरती आ गई है स्टेडियम में। हर एक यही सवाल करता है कि हमें लाइटिंग सिस्टम के बारे में भी आगाह करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइटिंग सिस्टम से भी आगाह करूँगा, तो वो भी मिस ना करें। इस साइड पे आप देख सकते हैं काफ़ी सफाई के साथ ग्रास कटिंग का काम हुआ है। इंशाल्लाह इसी तरह पूरी स्टेडियम ग्रास कटिंग का काम होगा जिस तरह यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद काम भी दिखाऊंगा, मेरे साथ रहें। सामने आप देख सकते हैं मीडिया बॉक्स प्लस पवेलियन, इनसाइड कलरिंग का काम जारी है इनसाइड मीडिया बॉक्स में। तो यहाँ पे सफाई का काम भी जारी है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ पवेलियन फ्रंट साइड, वहाँ पे ग्लासेस का काम हुआ है, मेरे साथ रहें। और ये है मीडिया बॉक्स, काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत। सामने पवेलियन ग्लासेस का काम हुआ है, पवेलियन के सामने डोर्स का, ये बिल्कुल नया काम हुआ है, डोर आप देख सकते हैं ग्लासेस का। और साथ साथ यहाँ पे इनसाइड सीलिंग का काम भी हुआ है, ये भी न्यू काम हुआ है, ऊपर आप देख सकते हैं। माशाल्लाह फिर से काम शुरू हो चुका है अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम में। तो ये इनसाइड पवेलियन के मनाजिर हैं, उस साइड पे फ्रेम का काम हुआ है, सीलिंग फ्रेम का, और उस साइड पे भी। और ये है लिफ्ट मैनुअल सीढ़ियों के अलावा, और इस साइड पे मैनुअल सीढ़ी, और यहाँ पे भी ग्लास डोर का काम हुआ है आप देख सकते हैं, ये भी न्यू काम हुआ है। और बाहर मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ फ्रेम पड़े हैं आपके सामने हैं, ये क्लैडिंग फ्रेम है, और इस साइड पे भी आप देख सकते हैं। तो ये अंदर के मनाजिर हैं। तो ये थी आज की अपडेट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।